अच्छा ये क्या है? ये क्या चीज है? शेल टाइप है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जी हम लोग आएंगे हैं यहाँ एम्प्रेस मार्केट, यहाँ की मशहूर मार्केट है, सदर में है ये मार्केट। और ये बड़ी कदीम तरीन इमारत में ये मार्केट बनाई गई है। मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पर चलते हैं, इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते जाते हैं, आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा, इस वीडियो में मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चल सके। जैसे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, वैसे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को या फर्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पर, तो उन्हें यहाँ पर हर चीज का अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज मिलती है। तो चलिए चलते हैं अंदर और मेरे साथ ही रहिएगा इस वीडियो में, और हम इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें अंदर मिलती है। ठीक है जी, अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कुछ अचार वगैरह की शॉप यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। अचार है यहाँ पर और यहाँ पर बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अचार की। मेहंदी कोन है यहाँ पर सारे। ठीक है जी, ये चेक करें, कुछ इस तरह से अचार आपको मिलेंगे और ये चटनियाँ भी आपको मिलेंगी इसके अंदर। सब चटनी है और अचार। ये आपकी दुकान है? अच्छा, तो ये होममेड अचार है, आपने घर में अचार बनाए? अच्छा, डब्बे पैक भी है, घर के भी हैं और डब्बा पैक भी है। अच्छा, तो ये एक बॉटल कितने की होगी अचार की? जैसे ये वाली है, मुरब्बा भी है कोई अचार लेंगे जी? तो एक बॉटल 400 रुपए की है। अच्छा, और अगर आप इससे अच्छा लेंगे, अच्छा मेमरा लोग लेंगे, 800 रुपए की है। अच्छा अच्छा, एक नंबर अचार। सही सही। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ कैचअप भी नजर आ रही है, तो इस तरह से यहाँ पर ये अंकल का स्टॉल है स्टार्टिंग। अच्छा, मुरब्बे भी यहाँ पर मिलते हैं। सही, इसके पास हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये चावल की शॉप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इस तरह की केमिकल की पूरी यहाँ पर जो है वो स्टोर लगा हुआ है। यहाँ पर हर किस्म का केमिकल आपको मिलेगा, लाल बेक मारने का या खटमल मारने का, चूहे मारने का। सही जी, यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाएगा। अच्छा, ये क्या है? ये क्या चीज है? शेल टाइप है, पड़ेगा किसी से। अच्छा, ये कुछ अलग सी चीज मुझे नजर आई है, यहाँ के अंकल ही नहीं है जो बता सके। अच्छा, यहाँ पर ये फ्रेश जो है वो चने, भुने हुए चने और मूंगफली, आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्रेश मिलेंगी। ठीक है, इस मार्केट में आगे चलते हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ चले आज। कुछ इस तरह की यहाँ पर ताले, चाबी, छुरियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इस तरह की। अच्छा, यहाँ पर जो है फिर इसके बाद जो है वो सब्जी की भी दुकानें शुरू होती हैं। यहाँ पर सब्जी की मार्केट मशहूर है, मसालों की मार्केट यहाँ पर मशहूर है। ठीक है, यहाँ पर ये फ्रेश मसाले आपको यहाँ पर मिलेंगे इस तरह से। अच्छा, ये चेक करें, कुछ इस तरह से अदरक लहसुन हो गया ना, अदरक लहसुन हो गया। यहाँ पर प्लास्टिक की दुकानें भी आपको मिलेंगी, केमिकल की टॉयलेट्रीज भी आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बकरा ईद का सामान भी यहाँ पर जो है वो रेडी किया जा रहा है। ठीक है, सिगरियाँ वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, सीखे वगैरह मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर प्लास्टिक का क्या रेट है अपन यहाँ से पूछते हैं। अच्छा, हर जगह तो हमने पूछा है कि क्या चीज होती है, किस तरह की। सही है, लेकिन यहाँ पे हम रेट मालूम करते हैं यहाँ के भाई से। ये आपकी शॉप है? ये तो जगह हाँ उन्हीं की है। कितने का ये? एक रेट है 450 का। अच्छा, ये चेक करें, 450 का ये अंकल यहाँ पर चश्मे सेल कर रहे हैं
और ये 450 रुपए के ये सनग्लासेस दे रहे हैं। और कौन कौन से आपके पास? अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? इसके 650 हैं। अच्छा जी, काफी अच्छे हैं ये। अच्छा ठीक है, सुने चाहिए आपको? हाँ ये लीजिए। नहीं 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 अंकल, पहनते नहीं हम, पहनते नहीं हम। कम दे दो जी, कम दे। इसकी क्या प्राइस है अंकल? कितने? 80 रुपए। अच्छा ये कौन सा सर्फ है? अच्छा जमीन धोने का, और कपड़े धोने का भी तो एक होता है। अच्छा 250 रुपए किलो है। 250 रुपए किलो है, 220 रुपए किलो। तो ये कौन सा, कोई कोई ब्रांड का, जैसे खुले वाले आते हैं? खुला है, खुला है। अच्छा ये जो खुशबू वाला है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 250 रुपए का है। कितना है ये? आधा किलो है? किलो 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 है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये आपको सारी जो है ना केमिकल की भी चीजें। अच्छा ये केमिकल की क्या प्राइसेस है आपके पास? अलग अलग चीजें अलग अलग दाम में। ये फिनाइल खुशबू वाले फिनाइल की 100 रुपए की, 100 रुपए की बोतल है। अच्छा 100 रुपए। अब हमने वहाँ से कितने की ली थी? 250 रुपए। सही। अच्छा ये खत्म भी हो रही है अपनी, है ना? अच्छा एक जो है ना ये वाली दे दो, पर्पल वाली बॉटल। और तो ये, और ये क्या है? ये क्या व्हाइट कलर है? वो कंपनी का है। अच्छा और ये खुला है लूज में। अच्छा ये वाला फिनाइल की कितने की बॉटल? ये भी 100 रुपए की है, वो 120 की है। अच्छा तो ये फिनाइल की भी एक बॉटल दे दे। ये दे दी, और फिनाइल ये वाली व्हाइट वाले फिनाइल की भी दे दी। और सही है। और ये क्या है रेड वाला? ये टायर क्लीनर है, स्वीप है। अच्छा अच्छा। और एक डेटॉल लाते हैं जो आपके पास? डेटॉल है कंपनी का, नहीं खुला होगा उसी का। खुला जी जी, बताइएगा बताइएगा बताइएगा। 300 रुपए का जो, और जो मैं वहाँ से लाती हूँ जो कुकू के यहाँ से जो सस्ता होता है। जी जी बस ये दो दे दें। अच्छा यहाँ पर ये आपको सारी चीजें इस तरह की मिल जाएंगी जी। अच्छा ये यहाँ पर सेल वगैरह भी है ना? अच्छा मुझे ये एक नया फ्रूट यहाँ पे नजर आया है जिसको हम बोलते हैं जैक फ्रूट। ये बड़ी कम जगहों पर ये फ्रूट मिलता है, ये वाला। ये फ्रूट है ना भाई? ये कटहल है, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट है। अच्छा ये बहुत कम जगहों पर मैंने देखा है जैक फ्रूट, जो कि यहाँ पर मुझे इस मार्केट में मिला है। ये कैसे देते हैं आप इसका? क्या 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। तो ये पूरा कितने किलो होगा? वजन करना पड़ेगा। अच्छा वजन करना पड़ेगा। नहीं नहीं आप, अच्छा ये सारे फ्रूट का क्या दाम है आपके? ये 550 का डब्बा। 550 का डब्बा। और पीच के? ये 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो। यहाँ पे कितने के चल रहे? कितने के चल रहे? सही आ गया। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ये लिमको की है शॉप, जहाँ पर आपको आटे चावल सारी चीज आपको मिलेंगी, चीनी चावल दालें ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी, और बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइसेस में आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाकी सब्जी की शॉप है, आलू की शॉप। सही। अच्छा ये वो तेल बनाने वाली जो है वो चक्की है, जिसके अंदर जो है वो चीजें डाल के और इसे तेल निकाला जाता है, वो चक्की है। अच्छा इसके बाद ही यहाँ पर कुछ स्वीट्स की दुकान है, जो नमको की दुकान कहा जाता है। यहाँ पर आपको सारी जो है वो स्वीट्स भी मिलेंगी, और सारी जो है वो यार ये देखे पान मसाला है, पान मसाला। इसकी क्या प्राइस है भाई? 100 रुपए। 100 रुपए का पैकेट है पान मसाला। अच्छा यार ये बड़ी अच्छी है, हमने बचपन में खाई है ये वाली टॉफी। ये वाली बड़ी अच्छी होती है, मतलब टेस्ट अब तक याद है इसका टेस्ट। अब पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, पता नहीं लेकिन। अच्छा यहाँ से जरा अखरोट का मालूम करते हैं। अखरोट कैसे दे रहे हैं अंकल? 1000 रुपए के जी। और ये वाला
ये कौन सी, ये कागजी है? दोनों कागजी है, तो हम बेचना है ये चैनल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 800 रुपए, 800 रुपए के जी, सही। हाँ सही 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 सही। अच्छा, और ये पिस्ता 800 रुपए पाव है, पाव के पैकेट। ये पाव का पैकेट बना हुआ है। ये नमक वाले या ऐसे ही है? अच्छा, नमक वाले। और ये नमक वाले बादाम 600 रुपए, 600 रुपए पाव है, 600 रुपए पाव है, सही। मेरे को लेना है, लेना है, मेरे पास पैसे हैं, मैं वापसी में लेती हूँ, सही। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कुछ सर, अच्छा ये जो तेल का मैंने आपको बताया था ना, तेल की गेरी, ये अंकल जो है वो अभी तेल मेरे ख्याल से निकाल रहे हैं। चलो आ जा, रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। यार वो शॉप कहाँ है? अच्छा जी, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर एक और मुझे ड्राई फ्रूट की शॉप यहाँ पर नजर आई है, और यहाँ के रेट जो है वो काफ़ी मुनासिब है। पिछली जो मैंने शॉप में, पिछली जो है वो दुकान में मैंने पूछे थे तो वहाँ पर ज़्यादा थे, यहाँ पर भाई जो है वो काफ़ी मुनासिब रेट में जो है वो चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। तो इनके दुकान का जो है वो एड्रेस न्यू इस्लामाबाद ड्राई फ्रूट के नेम से ये शॉप है भाई की। आपका नाम क्या है भाई? क्या? शहरियार अब्बासी, ठीक है। तो इन भाई से आके आप जरूर बाय कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने मुझे भी मुनासिब रेट में लगाए हैं, और इंशाल्लाह आप लोग भी आएंगे तो आप लोगों को भी मुनासिब रेट में अच्छे से अच्छा और खालिस और बिल्कुल फ्रेश जो है वो आपको ड्राई फ्रूट दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये आप जरा अपने ड्राई फ्रूट की सब जरा थोड़ी थोड़ी से हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे कि क्या क्या चीज है आपके पास और किस मुनासिब दामों में आप जो है वो फराम कर रहे हैं लोगों को? मिल जाएगी मुनासिब रेट में। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो आप अखरोट का मुझे जरा हिसाब बताएं, किस हिसाब से और क्या, किस नाम का अखरोट है आपके, चाइना का है, अमेरिका का है, किसका है? देसी भी है, चाइना भी, अमेरिका भी है। अच्छा, तीनों मिल जाएंगे। सही है, तीनों मिल जाएंगे। और तीनों के क्या क्या रेट है? चाइना अखरोट 800 रुपए किलो है, देसी 960 है, अमेरिकन 1000 रुपए किलो है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, और पिस्ता कितने गए? पिस्ता चला हुआ पड़ेगा 2800 रुपए किलो, 3000 रुपए किलो। 2800, 3000 रुपए और 3200 ना, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर ये खजूरें मुझे नजर आ रही है, तो ये क्या क्या, मतलब किस किस्म की खजूरें हैं ये? ये ईरान की राइट है, ये मदाफी है, और रबई है। अच्छा, और ये वाली? ये रबैया, रबैया है। अच्छा अच्छा, और ये वाली? ये गाजी है। अच्छा, और ये तो वो है ना, छुआरे, छुआरा ये, और छुआरा कैसे दे रहे हैं आप? 640 रुपए किलो। अच्छा ठीक है, और ये भुने हुए चने? 480 रुपए किलो। 480 रुपए किलो है, और ये देखिए काफी फ्रेश है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, काफी फ्रेश है ये। अच्छा, इन भाई की शॉप है यहाँ पर, कौन सी मार्केट है? आप मार्केट का जरा एड्रेस पूरा बताएंगे लोगों को, एड्रेस बताएंगे मार्केट का पूरा? हाँ बताएं, बताएं बताएं, एड्रेस बताएं, पता बताएं इस मार्केट का। हाँ, दुकान का नाम है न्यू इस्लामाबाद ड्राई फ्रूट, कराची एम्प्रेस मार्केट सदर में, रोल नंबर 32। सही है, ठीक है। तो आप लोग जरूर आएगा इन भाई की शॉप पर, और मैंने भी यहाँ से बाय की है चीजें, उन्होंने काफी मुनासिब रेट में मुझे दी है, तो इंशाल्लाह आप लोग को भी काफी मुनासिब रेट में ये देंगे। तो चलते हैं।